हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ ग्रीन चटनी या हरी चटनी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पुदीना के पत्ते, 2 कप धनिया पत्ते, 1 इंच जिंजर, 6 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, 1.5 टेबलस्पून काला नमक और सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा और भुना हुआ काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 कप रोस्टेड पीनट्स। रोस्टेड पीनट्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप अवॉइड मत कीजिएगा। अब हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्सी के जार में डाल के इसे बहुत ही फाइन पेस्ट कर लेना है। दोस्तों एक ज़रूरी बात यह है कि जब आप धनिया पत्ता डालेंगे तो उसका जो हरी डंडी है वो आपको नहीं फेंकना है, उसके साथ आपको पीसना है। अगर हरी डंडी बहुत ही मोटी है तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जो पतली डंडी है वो आपको फेंकना नहीं है। इसका जो मेन टेस्ट है वो हरी डंडी से ही आता है और ये चटनी को भी गाढ़ा करने में हेल्प करता है। और ये चटनी जो है दोस्तों वो मल्टीपर्पज है, आप इसे सैंडविच के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरा पहला रेसिपी देखा होगा एक सैंडविच, इसमें मैंने शेजवान चटनी का यूज़ किया था। तो अगर आपको शेजवान चटनी पसंद नहीं है तो आप उसे रिप्लेस करके ग्रीन चटनी भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सैंडविच के अलावा इसे आप समोसे के साथ या कोई भी इंडियन स्नैक्स के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पीसते वक्त मैं यहाँ 3 आइस क्यूब्स का यूज़ कर रहा हूँ, कि जब इसमें हम मिक्सी में पीसेंगे तो ये गर्म हो जाएगा और इसका जो नेचुरल कलर है वो फीका पड़ जाएगा। तो ताकि ये फीका ना पड़े, रंग फीका ना पड़े, इसलिए मैं इसमें थोड़ा आइस क्यूब डाल के इसे ठंडा कर ले रहा हूँ। अगर आपके पास आइस क्यूब्स नहीं है तो आप ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बीच बीच में आप स्पून से थोड़ा मिक्स कर दिए ताकि अच्छी तरह यह पेस्ट हो जाए। आप इस चटनी से मसाला बटर मिल्क या मसाला चास भी बना सकते हैं। हमने इसे बहुत ही फाइन पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीन है और कितना फाइनली ये पेस्ट हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो इसे आप अगर 3 से 4 महीने आपको प्रिजर्व करना है तो आप एक आइस ट्रे लेके इसमें आप डाल सकते हैं और 1 दिन तक इसे आप कम्प्लीटली फ्रीज़र में रखिएगा। 1 दिन बाद जब आप निकालेंगे तो ये आइस इतना गाढ़ा हो जाएगा, फिर आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप आइस क्यूब को निकाल के उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली फ्रीज हो गया है और ये अभी आइस इतना गाढ़ा भी हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।